हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं और इजीली बन जाते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको कि मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। 40 ग्राम मैंने चीज़ लिया है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच मैंने मैदा लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर उबले हुए आलू डाल देंगे। चार चम्मच इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये मिक्सचर चीज़ बॉल्स बनाने के लिए रेडी कर लिया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और पेस्ट को रेडी कर लेंगे। पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। हमें इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अब हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हथेली में रखकर उसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर चीज़ का टुकड़ा डाल देंगे।
और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और अब हम इसकी बॉल बना लेंगे। अब हम सारी बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और इसको पेस्ट के अंदर डिप कर देंगे। और इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसी तरह हम एक एक करके सारी बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। बॉल्स को रेडी करने के बाद हम सारी बॉल्स को फ्रिज के अंदर 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बॉल्स फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और एक एक करके हम तेल के अंदर बॉल डालते जाएंगे। और इनको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बॉल्स हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसी तरह से हम एक एक करके सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। बॉल्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी हैं।